नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आपको बता देते हैं कि लॉकडाउन था और अब अनलॉक हो चुका है। आज 8 तारीख है। जितने भी तमाम धर्म स्थल थे वो सारे खुल चुके हैं। मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या फिर और सारी चीज़ें हो, आज से खोल दी जाएंगी। वहीं आज सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। तो इस समय मंदिर में मौजूद हैं, आपको यहाँ की व्यवस्थाएँ दिखा देते हैं कैसी हैं। आप ये देख सकते हैं जो लाइन बना रखी है, इस लाइन से आप चलते रहिए और फिर अंदर पहुँच जाएंगे। इन भाई साहब के हाथ में आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर जो अंदर जा रहा है तो स्क्रीनिंग कर उसको अंदर भेजा जा रहा है। पहले देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, कितना नहीं है, फिर उसके बाद अंदर भेज रहे हैं। यानी कि हर एक चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर कर भेजी जा रही है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हुए हैं और वो चेक कर रहे हैं कि कैसे हो। हम भी अपना चेक करवा लेते हैं टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 98.2 बताया है, मतलब बिल्कुल सही इन्होंने बताया है कि आपका ये है। और अगर जो उससे आगे का हो, यानी कि उससे ऊपर दिखता है तो ये रोक देते हैं। बात सबसे बड़ी ये है कि 5 लोगों की जैसे बात की गई थी वैसे ही 5 लोगों को अंदर भेजा रहा है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बंदे खड़े हुए हैं, वो हर एक व्यक्ति को देख रहे हैं। और अगर जो मैं आपको जैसे अब अंदर लेकर चल रहा हूँ तो सामने की साइड आप देख भी सकते हैं, ये मंदिर ऐसा है कि अभी सावन आने वाला है और शिव जी का सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगती है। सावन के टाइम में इतनी भीड़ रहती है कि बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हर एक चीज़ को देखते हुए यहाँ पर कैसे प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी करी होंगी। और जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनको देख सकते हैं। और ये जो मैं चल रहा हूँ आप नीचे देख सकते हैं, छोटे छोटे जो ये गोले बनाए गए हैं ये इसलिए बनाए गए हैं कि लोग यहाँ पर खड़े रहें, दूरी बना कर रखें, ऐसा ना हो कि वो दूरी का ध्यान ना रखें और इधर उधर होकर खड़े रहें। और देख सकते हैं चारों तरफ लोगों को यहाँ पर खड़ा किया गया है और अंदर जो लोग जा रहे हैं उनमें से केवल 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाए और कोई भी जाकर खड़ा हो जाए। और देख सकते हैं जैसे हम गेट में एंट्री कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइज़र भी रखा गया है। इधर सैनिटाइज़र है, उधर भी सैनिटाइज़र है। जो अंदर जाएगा वो हाथ सैनिटाइज़ करेगा, फिर उसके बाद वो अंदर पहुँचेगा, फिर उसके बाद मंदिर में जा सकता है और फिर वहाँ से बाहर आ सकता है। तो अगर जो मैं आपको दिखाऊं कि अभी जैसे हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये कितनी अच्छी तरीके से है कि हाथ नहीं लगाना इसमें, ना कुछ करना, पैर से आप इसको दबाएंगे तो आपके हाथ में आ सकता है। तो यानी कि पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो सतर्क है, हर एक चीज़ को देख रहा है कि कैसे क्या करना है। और अगर जो मंदिर में आपको दिखाऊं, यहाँ पर जैसा कहा जा रहा था कि मंदिर में पंडितों को नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि एक पंडित होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हों या फिर अंदर जैसे बैठे रहते हैं 2 से 3 लोग बैठे रहते हैं तो उनको जाने की अनुमति होती है। और अंदर भी ऐसा है कि किसी को परिक्रमा करने के लिए और तमाम चीज़ें करने के लिए नहीं दिया जाएगा, बस केवल जो लोग हैं उनको ही आने दिया जाएगा। केवल 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते। और जो यहाँ पर पंडित जी हैं आप उनको देख सकते हैं, उन्होंने अपनी पूरी सुरक्षा के लिए अपने ऊपर मास्क हो या फिर और सब चीज़ें हों उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर हैं। उनसे हम बात भी करेंगे कि क्या किस तरीके से वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आना जाना जो चीज़ें हैं वो कैसे करी जाए। देखिए, बाहरी भक्तों को बाहर गेट पर ही रोक लिया जाता है, वहाँ उनको बताया जाता है भाई कैसे डिस्टेंस बना के रखना है, कैसे महामारी है, इस समय में कैसे प्रभु के दर्शन होने हैं, ये सब बाहर उनको बता दिया जाता है भक्तों को। और वो अच्छी तरह पालन इस चीज़ का कर रहे हैं। जैसे सावन आने वाला है तो सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत लोग आते हैं, तमाम लोग आते हैं, तो आगे का क्या सोच कर रखा है पूरे ट्रस्ट ने, कैसे अपनी पूरी तैयारियां बनाई हैं सरकार की गाइडलाइंस को देखकर? देखो, जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइंस होगी ऐसे ही ट्रस्ट आगे और हम लोग भी सही व्यवस्था की कोशिश करेंगे। भीड़ तो काफ़ी होती है लेकिन इसी तरह जैसे गाइडलाइंस मिलेगी उसी तरह कवर होगी। जैसे मंदिर में लोग आते हैं वो सोचते हैं हमें प्रसाद मिले, भगवान का प्रसाद मिलना चाहिए, तो जैसे कहा गया है सरकार ने कि किसी को प्रसाद ना दिया जाए अभी, क्यों अपने किसी को ना दिया जाए, तो कैसे आपने भी कोई ऐसी व्यवस्था की है कि जो बंदा आएगा उसको क्या चीज़ देनी है? नहीं, अभी किसी को कोई प्रसाद की व्यवस्था अभी हमने नहीं की है क्योंकि हम सरकार की जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से, ये भी सबको मालूम है, सभी टीवी देखते हैं, सबके पास न्यूज़ आती है कि भाई ये प्रसाद नहीं लेना है और फूल नहीं चढ़ाने हैं, फल नहीं चढ़ाना है, तो इसलिए सब कोई भी प्रसाद की मांग नहीं कर रहा है कोई भी।
हम कह रहे हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग अपनी बना के रखे, हमने यहाँ ब्लॉक बनाया है कि इतनी डिस्टेंस बना के रखे, और जो भी आता है पहले यहाँ सैनिटाइज करता है, फिर आगे जाता है, आगे दर्शन के लिए पहले खड़े होते हैं, यहाँ पे एक बंदा खड़ा कर देता है, जब उनका दर्शन कर लेते हैं फिर ये जाते हैं आगे। अच्छा, जब अंदर से बाहर निकल जाता है फिर उसके बाद अंदर दूसरे को भेजा जाता है। आप कितने दिनों बाद आए हैं बाबा, कितनी खुशी है आज मंदिर खुल गए सारे? बहुत खुशी है साहब, बहुत खुशी है। मैं तो काली मंदिर जाता था। अच्छा। यहाँ धूप बत्ती जला के चला जाता था बाहर। अच्छा। दरवाजे में तो 2-3 महीने हो गए बंद था सब, अब दोबारा से खुला है तो पूरा मन है कि अब दोबारा से मंदिर के दर्शन। बहुत खुशी हुई है साहब, बहुत खुशी हुई है, बुद्धेश्वर बाबा की कृपा है मेरे। अच्छा, सरकार को क्या कहेंगे कि इतने दिनों से बंद था और आज अचानक खोल दिए गए सब चीज़ें, तो सरकार को क्या कहना? सर, सरकार की क्या गलती है, कोरोना में बंद करे थे, अच्छा करा उन्होंने। अच्छा, अच्छा करा उन्होंने, खुशी पूरी है अब। बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। तो देख सकते हैं आप, लोगों का कहना है कि खुशी पूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज़ हमने नोटिस नहीं करी, अगर जो मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर जो है घंटा, ये कहा गया था जो घंटियाँ हैं वो ना बजाने दी जाए मंदिर में, और ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर घंटियाँ बजाने के लिए नहीं दी जा रही है, बंद है। और अगर जो अब जैसे हम अंदर एंटर हुए थे उसके बाद एग्जिट जो है वो उधर से है, तो हम उधर की साइड चलते हैं, वहाँ से भी दिखाते हैं कि लोगों को यहाँ पर दर्शन करने के बाद उनको आगे भेज दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रुके खड़े रहें, बहुत से लोग होते हैं खड़े हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। और आप इधर देख सकते हैं, हम इधर बाहर आ गए, ये बाहर निकलने का रास्ता है। आप कैसे देख रहे हैं, लोगों को कैसे समझाया जा रहा है सारी चीज़ों के बारे में? जो भी लोग इधर से आ रहे हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकाल रहे हैं इधर से। अच्छा। जो जल चढ़ा के आ रहे हैं पूजा करके, उन्हें बाहर इधर से निकाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना समझ रहे हों चीज़ों को? ऐसे तो समझ नहीं रहे, क्योंकि 2.5 महीने हो गए इसे झेलते हुए लॉकडाउन को, तो अब तो अच्छे अच्छे की समझ में आ गया कैसे करना काम ये। अच्छा, मतलब लोग समझ गए, ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती कर रहा हो, 2 मिनट रुक जाओ जी, मैं 2 मिनट और ज्यादा दर्शन कर। ना, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा किसी के साथ नहीं। ना ना, ऐसा नहीं है। अच्छा। सब समझ गए सब लोग, सब लोगों के दिमाग में आ गया कि अब कैसी सिचुएशन है। तो यानी कि सब लोगों के दिमाग में आ गया कि कैसी सिचुएशन है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमने दिखाया कि अंदर की कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों को आने दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है, पर हर एक चीज़ की सुरक्षा यहाँ पर रखी जा रही है, तभी उनको अंदर एंट्री हो रही है, तभी उनको बाहर ले जाने की चीज़ें हो रही हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं है, हर एक जगह हर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, हर एक चीज़ देख रहा है कि कैसे किसी लोगों को यहाँ पर जाने दिया जाए। और यहाँ पर एक अंकल है, अंकल जी आज तो मजा आ गया होगा कि मंदिर खुल गए। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आज पूरा जोश में है? हाँ, बहुत बहुत खुश हैं हम। अच्छा, पूरे खुश हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार सही काम कर रही है अपना। अच्छा, सरकार ने निर्णय लेना था जो। अच्छा, ले लिया, ले लिया। जान है, जान है तो जहान है। अच्छा, तो आपने देखा लोग पूरे खुश हैं, उनका कहना है जान है तो जहान है, पूरी हर एक चीज़ को देखकर यहाँ पर जैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको गिनकर अंदर भेजा जा रहा है, ऐसा ना हो कोई बिना लाइन के आ जाए। आप ये देख सकते हैं पूरी व्यवस्थाएं हैं, हर एक चीज़ को देखा जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सावन के दिन पास आते जा रहे हैं। जैसे जैसे सावन आगे आता रहेगा, भीड़ मंदिरों में बढ़ती रहेगी, तमाम लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये शिव मंदिर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सावन के टाइम में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण हर एक चीज़ को, सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।